من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. صدق الله العظيم. ये सूरह अंबिया के दूसरे रुकू की 3 आयतें हैं। फरमाया जा रहा है कि और नहीं भेजा हमने आपसे पहले कोई रसूल, मगर उनको यही हमने वही भेजी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी अल्लाह ताला कह रहा है ये बात हमने वही की कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम मेरी बंदगी करो। और ये लोग कहते हैं शिर्क करने वाले कि रहमान ने किसी को बेटा बना लिया है, अल्लाह पाक है, बल्कि वो जिनको बेटा कह रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के इज़्ज़त वाले बंदे, उससे बढ़कर नहीं बोल सकते, उसी हुक्म पर काम करते। गुज़िश्ता आपके सामने मजलिस में बात में आई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों से इस बात का हद लिया कि आलम अरवाह के अंदर कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, सब ने इस बात पर इकरार किया बेशक तू हमारा रब है। कालू बला, बेशक क्यों नहीं तू हमारा रब है। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो मैं इस अहद को याद दिलाने के लिए अंबिया कराम को भेजूँगा, किताबें नाजिल करूँगा ताकि तुम्हें यह हद याद रहे और तुम इस हद पर कायम रहो। तो यहाँ वही फरमाया जा रहा है कि सारे अंबिया कराम की दावत क्या थी, एक अल्लाह की बंदगी की दावत थी। सूरह नहल में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलकद बअसना फी कुल्ली उम्मति रसूलन अन इबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत वमिनहुम मन हदल्लाह वमिनहुम मन हक्कत अलैहिम ज़लाला فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سورة نحل کے 5 رکوع کی آیت ہے، فرمایا جا رہا ہے تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت کے اندر ایک رسول کہ یہ انہیں امت کو یہ دعوت دے کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی جو اللہ کے ماں سوا جتنے بھی ہیں، طاغوت جو ہے کوئی بت ہو سکتا ہے، کوئی جو ہے जिन हो सकता है, कोई शैतान हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है। हर तो यहाँ तर्जमा हजरत शाह अब हुड़दंगे से बचो। हर शाह फरमाते हैं हुड़दंगा वो जो नाक सरदारी का दावा करे, कुछ सनद न रखे, ऐसे को ताकूत कहते हैं। बुत हो सकता है, शैतान हो सकता है, जालिम सब में दाखिल है। तो सारे अंबिया का दावत क्या है कि एक अल्लाह की बंदगी करो और तमाम माबूदों से बचो, झूठे माबूदों से। अब इसमें से जिनको अल्लाह ने तौफीक दी, जिनमें से अल्लाह ताला ने जिनको हिदायत दी, जिन्होंने इस बात को कबूल कर लिया उनको अल्लाह ने हिदायत दी, और कुछ लोगों पर जो सलाह साबित हो गई और किसी पर गुमराही साबित हो गई। तो बस तुम ज़मीन चल फिर कर देखो इन झूठा लचलाने का अंजाम क्या हुआ। तो बात इतनी है कि जो है قرآن کی وہ آیاتیں اور جو وہ صورتیں جس کے اندر اللہ کی توحید اور کا ذکر ہے ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اب وہ میں آپ کے سامنے سورہ قل ھو اللہ اس کے بارے میں فرما گیا۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ ایک چوتھا ہی قرآن ہے، قرآن کا چوتھا حصہ۔ سورہ کافرون ایک تہائی قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی، اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ اب وہ آیتیں پڑھ کے اس کی تفصیل بیان کرنا کسی دوسری مجلس میں کروں گا، صرف آج بیان ہے کہ انبیاء کرام کی دعوتیں کیا تھیں۔ تو اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، سارے انبیاء کرام کی دعوت تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ یہ دعوت تھی۔ سورہ اعراف قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون۔ آپ کہہ دیجئے اے انسانوں میں تم سب کی طرف سے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی حکومت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا هو،
वही है जो ज़िंदगी देने वाला है, और ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में। बस तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल नबी नबी पर ईमान लाओ, जो उम्मी, जो ख़ुद भी अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उसकी उसकी कलिमात पर ईमान रखते हैं, और तुम की पैरवी करो ताकि तुम सही रास्ता पालो। देखें हम बेकराम की दावत, रसूल की दावत, रसूलों की दावत भी तौहीद की दावत थी। एक जगह नहीं बल्कि जगह जगह, किसी एक जगह बात कही गई ऐसी बात नहीं है, बल्कि सूरह मरियम की, सूरह कहफ की आखिरी आयत, قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا। आप कह दीजिए कि मैं भी तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ। ये लोग बार बार इतराज़ करते हैं कि आप हमारे जैसे इंसान हैं, आप हमारे जैसे इंसान। कहा कि हाँ, मैं तो इकरार करता हूँ मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। जो इनकार करने वाले थे, अल्लाह के रसूल की बात को नहीं मानने वाले थे, उनका यही जो है एतराज़ था कि आप हमारे जैसे इंसान हैं। तो कभी मियाँ ने कहा कि हम तुम्हारे जैसे इंसान नहीं, हाँ बेशक हम तुम्हारे जैसे इंसान हैं, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क है कि हमारा हमारी तरफ अल्लाह की तरफ से वही आ रही है। हम अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अल्लाह ने हमको नबी बनाया है, हमारी तरफ वही भेज रहा है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो यह फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा, मिस्लुकुम तुम्हारे जैसा इंसान, यूहा इलैय, मेरी तरफ वही भेजी जा रही है। क्या भेजी जा रही है? अन्नमा के इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा माबूद अकेला है, तुम्हारा माबूद हकी वाहिद अकेला है। अब अमन कान यार, जो ये सिर्फ ये मामला दुनिया में ख़त्म होने वाला नहीं है, बल्कि आलम आखरत है, वहाँ सब कुछ फैसला होने वाला है। दुनिया में फैसले नहीं होते। अमन कान यार, जो लिखा रब ही फलियामल अमलन सालहन वलाय शरीक भी इबादत रबी हदा, बस जो इस बात का अपने रब से मिलने का की उम्मीद रखता है, उसकी तवक्का रखता है, तो उसको चाहिए कि नेक अमल करे, अमल सवाले करे, फिर अपने रब की वादे किसी को शरीक ठहराए। ठीक है, साफ साफ ये बात है। एक अल्लाह की बंदी करे और शरीक में ठहराए, किसी को शरीक ठहराए, साफ अंबिया कराम की दावत नहीं। सूरह हामिम सजदे में भी आया था, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, पहले रुक के दराया था, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैय अन्नमा इलाहुकुम वाहिद फस्तकीमू इलैय वस्तगफिरूह। आप कहिए कि मैं तुम्हारे जैसा आदमी हूँ, तर्जमा जो है शाह साहब ने किया है, मैं तुम्हारे जैसा आदमी हूँ, मेरी तरफ वही भेजी जाती है अल्लाह की तरफ से। क्या वही आती है? अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कि तुम्हारा हाकिम अकेला अल्लाह है, तुम्हारा माबूद अकेला है। फस्तकीमू इलैय, तुम सीधे उसके रास्ते पर चलो। वस्तगफिरूहु, उससे अपने गुनाह बख्शवाओ। वैलुल लिल मुशरिकीन, देख रहे तो खराबी है, जहन्नम है, वैल जहन्नम का गड़ा है उन लोगों के लिए शिर्क करने वाले। तो ये बात तो आपके सामने आ गई कि जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जो है तौहीद की दावत थी, शिर्क से बचकर जो है। तो सारी हदीसें तो आपके सामने आ चुकी हैं, इसलिए फिर दोबारा हदीसें नहीं पेश करता हूँ। ईमान की हदीसें वही बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, वो ईद है। इसने ला इल्लल्लाह कहा, वो जहन्नम से बच गया, ला इल्लल्लाह कहा जन्नत में चला जाएगा। ये बातें आज के आपके सामने आ चुकी हैं, इसलिए फिर दोबारा दोहराता नहीं उसको। तो अम्बिया कराम की दावतें, अब इसके बाद जो है हमारे नबी सल्लम के बाद जो है, अब शुरू से जो अम्बिया कराम आए, आदम अलैहिस्सलाम, आदम सलाम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम जो है सूरह नूह, आपकी उस तक जो है लोग नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत देते हैं। قال نوح ربي اني اسوني واتبعوا من لم يزد ماله ولد الا خسارا, دوسرے رکوع کے اندر سورہ نوح, ایک سورت ہی نوح ہے, سورت کا نام ہی سورہ نوح ہے, اس کے دوسرے رکوع کے اندر فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب, تو رات دن سمجھاتے رہے قوم کو, قوم جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اے میرے رب, انہوں نے میری بات نہیں مانی, میری نافرمانی کی, اور ان لوگوں کی بات مانی जिनको उनके माल औलाद ने जो है ज़्यादती की वजह से उनको नुकसान ही हुआ था, और उन्होंने बहुत बड़ा मकर किया, बहुत बड़ा मकर किया उन्होंने, और फिर अपनी कौम से कहा, इन लोगों ने, उनके सरदारों ने, ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, अपने माबूदों को हरगिज़ नहीं छोड़ना, नूह की बात नहीं मानना, अपने माबूदों को नहीं छोड़ना। कौन से माबूद हैं? वला तज़रुन्ना वद्दन, नवद को छोड़ो, वला सुवा को छोड़ो, वला यगूस, और यगूस को न छोड़ो, व
यहू को ना छोड़ो, नसर नस को ना छोड़ो। वक़्त अज़ल्लु कसरा अल्लाह, इन्होंने बहुत लोगों को बहका दिया। अल्लाह वाला तजीद ज़ालिमीन इल्ला तलाला, अल्लाह इनका जो है आखिर में जब दावत देते देते थक गए, मालूम है कि लोग मानने वाले नहीं हैं, तो ये बात उनकी ज़बान से निकली कि अल्लाह इन लोगों ने जो है मेरी बात नहीं मानी, अपने झूठे सरदारों की बात मानी, तो इसलिए जो है अब ये लोग तो मानने वाले नहीं। वक़्त अज़ल्लु कसीरा, इन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया। वला तज़ीद अज़्ज़ालिमीन, तो ज़ालिम लोगों की तो खसारे में इजाफा कर दे। तो ये कौन है? वद सुवा यगूस यवूक व नसरा, ये उस ज़माने के सालहीन औलिया अल्लाह थे। तो इनके इंतकाल के बाद जो है शैतान इनके पास आया, तो आके इंसानी शक्ल में आता है, आके पूछा पूछा कि जो है वद कैसा था? अरे वो तो बहुत नेक अल्लाह वाला था भाई। सुवा कैसा था? यगूस कैसा था? सबके बारे में पूछा तो सब अच्छे थे, सब नेक औलिया अल्लाह थे। तो क्या तुम इसको भूल जाओगे इनको? अरे कम से कम उनकी जो है तस्वीरें बना कर रखो, तस्वीरें देखकर तुमको याद आएगा, तुमको इबादत का शौक़ पैदा होगा। तस्वीरें देखकर जो है लोगों ने, चलो भाई बहुत अच्छा अच्छा मशवरा है, अच्छा सजेशन है, समझ के जो है तस्वीरें बनाई उनकी। तो एक जो है एक नस्ल गुजर गई, एक जनरेशन गुजर गई। फिर उसके बाद जब दूसरी नस्ल आ गई तो उन्हें कहा कि तुम्हारे बाप दादा तो जो है, अरे इनके सूरतें तस्वीरें बनाने से क्या फ़ायदा, इनके मुजस्मे बनाओ, मुजस्मे बना देगा बस। वद सुवा यगूस यवूक नसर के मुजस्म बना देंगे बाकायदा। फिर उनको शैतान ने यह डाल दिया कि जो है तुम्हारे बाप दादा इन्हीं की पूजा करते थे, इन्हीं की बात क्या करते, इस तरह से जो है बुत परस्ती शुरू हो गई। ये सालहीन थे, नेक इंसान थे, इनके मरने के बाद शैतान इनके दिलों में डाल दिया, डालकर जो है इस तरह से ये लोग जो है करने लगे। तो नूह अलैहि सलाम की दावत भी क्या थी? एक अल्लाह की बंदगी की दावत थी, लेकिन कौम जो है मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर उसके बाद जो है 950 साल गुजर गए, वलकद लबिस फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा, वो उनके दरमियान दावत देते कितने साल रहे? 1000 में से 50 साल कम, 950 साल तबलीग करते रहे, 950 साल। आप अंदाज़ा करिए। तो फिर अल्लाह से जब दुआ की कि अल्लाह ये लोग जो है मानने वाले नहीं, قال نور رب لا تذر العظيم للكافرين ديارا، اے اللہ اب زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ، اگر تو چھوڑے گا انک تذر یذل عبادک، تیرے بندوں گمراہ کریں گے۔ ولا یلید الا فاجرا کفارا، اور اگر جو اولاد بھی ان کی ہوگی تو یہ فاجر اور کفارا اولاد ہوگی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تمہیں کشتی بناؤ اور جتنے ایمان والے ہیں سب لکھ کر بیٹھ جاؤ۔ کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ 70-72 لوگ ایمان لائے تھے، معلوم ہے؟ 950 साल के तबलीग के बाद सिर्फ 70-72 लोग ईमान लाए थे, वो तो कश्ती में लेके बैठ गए। यही लोग वजूनी की औलाद चल रहे। अब दुनिया में जितनी औलाद है सब हज़रत अलैहिस्सलाम के बेटों की औलाद है। तबारक तआला एक मकाम पर नहीं, जगह जगह सारे मकामात पर अंबिया कराम की दावतें पेश कर रहे हैं। वलकद अरसलना नूह इला कौमिही, और बेशक हमने सूरह आराफ रुको नंबर 8, बेशक हमने नूह को उनकी तरफ भेजा, वकाल या कौमी इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम एक अल्लाह की बंदी करो, उसके तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, मैं डरता हूँ तुम पर एक बड़े दिन के अज़ाब से। क़ाल अल मलअ अल्लज़ीना कफरु मिन क़ौमिही इन्ना नराका फी ज़लालिम मुबीन, तो कौम के लोगों ने कहा हम तुम्हें खुली गुमराह में देखते हैं, देखो खुद तो खुली गुमराह के अंदर है, नबी कह रहे हम तुम्हें खुली गुमराह में देखते हैं। कहा कि मेरी कौम के लोगों गुमराही में मुझमें नहीं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, वो बल्लिकुम रिसालात रब्बी, मैं उसके पैगाम तुमको पहुँचाता हूँ, वह अनसहु लकुम, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, तुम्हारा खैरख्वाह हूँ, वह आलम मिन अल्लाह माला तालमून, और मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और अजीब तुम अनजाकुम ज़िक्र मिन रब्बिकुम, क्या तुमको ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हारे में से एक इंसान पर, एक मर्द पर जो है अल्लाह की तरफ से जिक्र आ जाए ताकि तुमको डराए और तुम बच जाओ और तुम पर रहम किया जाए? तो उन्होंने नहीं माना। वह कज़्ज़बू हो, उन्होंने तकज़ीब की। फ़न जैना हो अल्लज़ीना माहू, हमने नजात दी उन लोगों को जो उनके साथ थे, माहू फिलफुल की कश्ती के अंदर, वह अगरक ना अल्लज़ीना कज़्ज़बू भी आयतना, और हमने डुबा दिया उन लोगों को जो
जिन्होंने तकजीब की थी, इन मकान कौमन अमीन, बेशक के लोग अंधे बने हुए थे, अंधे बनकर रहना पसंद किया। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हमारी नमाज शुरू होती है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से, सूरह अनाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के लिए, शिर्क के लिए क्या किया और क्या नहीं किया, पूरी दास्तान बहुत जगह जगह एक जगह नहीं एक कुरान में बिखरी हुई। बुतों को बुतखाने में जाके अपने कौम से, अपने बाप से कहा कि क्या बुत है जो तुम बैठे हुए हो, ये सब मेरे दुश्मन हैं, कहा बुतों को, इनका मैं इनकी इनकी अच्छी खबर लूँगा। फिर ये सब लोग अपने मेले को चले गए तो उन्हें बुतों को तोड़ दिया। फिर आके इन लोगों ने देखा कि जो है हमारे सारे बुत टूटे पड़े हुए, बड़े बुत के हाथ में थोड़ा थमा दिया था मालूम है। फिर अरे कौन क्या होगा, बुलाओ वही जो नौजवान है, नौजवान थे समझा ना, पतन यस्करो हम, एक नौजवान है जो बुतों के बारे में कहता था, बुलाओ उसको। फतः अला बिन, लोगों के सामने लेकर आओ, क्या कहता है देखेंगे उसको। लाया गया, बोला कि छे इस बड़े बुज को पूछो अगर ये बात करता है तो। बिल्कुल बेबस हो गए, क्या पूछ सकते हैं उसको, तू जानता है कि बोलते नहीं। अच्छा धैर्य, हम तेरी खबर लेंगे। तो कहा कि इसको जला दो, हर को वंसुर वाले हो तुम, अपने माबूदों की जो है मदद करो। आग में डाला गया मालूम है, हज़रत इब्राहिम सलाम को आग में डाला गया, इसके लिए तौहीद के लिए, शिर्क का रद्द करने पर आग में डाला गया मालूम है। फिर वो कौन ये बुत परस्ती करती थी, फिर सितारा परस्ती थी, सितारे को देखा एक दिन, सितारा जो है निकला, कहा कि मेरा मेरा रब हो सकता है, क्वेश्चन मार्क, हाजा रब्बी, जो लोग समझेंगे इब्राहिम सलाम उसको रब माना, नहीं सवाल ये नशान है, हाजा रब्बी का मतलब क्या है, मेरा रब हो सकता है। फलम्मा अफलका, जब डूब गया तो कहा कि अल्लाह बिल्लाह, नहीं डूबने वाला कैसे मामूल हो सकता है, अपने वजूद को बाकी नहीं रख सकता, उन्हें कैसा रब हो सकता है। फिर चांद निकला, कहा कि ये मेरा रब हो सकता है, हाजा रब्बी, वो भी डूब गया, अरे ये भी कैसा है, देखते चांद हमेशा नहीं रहता, पहली रात का पहले चांद बिल्कुल बिल्कुल मुख्तसर छोटा होता है चांद, बढ़ते जाता है, चौदह चांद को पूरा हो जाता है, फिर और घटते जाता है, अरे घटना बढ़ना ये क्या है। फिर जो है सुबह सूरज निकला, कहा कि ये सबसे बड़ा है, शायद ये माबूद होगा, वो भी सामान्य पर डूब गया। देखो तो कहा कि मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, फलम माफलत का लिया कौम बरी मशरक, देखो अरे मेरी कौम के लोगों मैं इससे बरी हूँ। तो कौम सितारा परस्त थी, चांद सूरज की परिश करने वाली थी, कहा कि मैं इससे बिल्कुल बेजार हूँ। फिर जो कलिमात आपने अदा किए वही पढ़ के हम नमाज शुरू करते हैं, वही कलिमात हम जानवाज कर पढ़ते हैं, इन वजह तो वजी फतर समावती वनी फोमाना मेरे मशरकी, मैंने अपना चेहरा उस ज़ात की तरफ कर लिया जो ज़मीन आसमान का पैदा करने वाला है, मैं यकसू हूँ और मशरक़ करने वालों में से नहीं हूँ। देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये हाल था। तो जहाँ भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है अल्लाह ताला जिक्र करते हैं, फ़तबी मिल्लत इब्राहिम हनीफ़ा वमा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फिर हमारे नबी को हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह ताला हमारे नबी को हुक्म दे रहे हैं कि तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पैरवी करो जो शिरक करने वालों में से नहीं थे। फ़तबी मिल्लत इब्राहिम हनीफ़ा वमा काना मिनल मुशरिकीन, जो शिरक करने वालों में से नहीं थे। इन इब्राहिम कान उम्मतन कान था, बेशक इब्राहिम सिर्फ अपनी ज़ात से एक उम्मत थे, लिल्लाह हनीफन, एक सूख अल्लाह की बंदी करने वाले थे, वलम यकूम अल मुशरिकीन, शिरक करने वालों में से नहीं थे, शाकिर लि अनुमी, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले थे, इजतबाहू व हदाहू इला सिरातिल मुस्तकीम, अल्लाह ने उन्हें चुन लिया था और उसने सही रास्ते की जो है अल्लाह ने जो है रहनुमाई की थी, व आतैनाहू फिद दुनिया हसना, और हमने दुनिया में भलाई अता फरमाई थी, व इन्नहू फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और बेशक वो आखिरत में सालिहीन के साथ होने वाले। सुम अवहैना इलैक, फिर हमने आपकी तरफ इस बात की वही भेजी, अनत्तबे मिल्लत इब्राहिम हनीफा, तुम भी मिल्लत इब्राहिम पर चलो, इब्राहिम के तरीके पर चलो, वमा काना मिनल मुशरिकीन, जो शिर्क करने वालों से नहीं थे। तो तमाम अंबिया कराम शिर्क से बचकर चलने वाले थे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम की दावत हुई थी, तौहीद की दावत थी। फिर सूरह एराफ़ के अंदर जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो जिक्र आ रहा है,
वेला आदि नखौम हुदा, हमने आद की तरफ कौम हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون, अरे मेरे कौम के लोगों, अल्लाह के साथ तुम्हारा कोई एक अल्लाह की बंदी करो, उसके से तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं? तो उनकी कौम ने कहा, जो इनकार करने वाले थे सरकारों ने, हम तुमको बेवकूफ़ समझते हैं, तुम्हारे में अक़ल नहीं है। तनराक फी सफ़ातिन, हम तुमको सफ़ात यानी बेवकूफ़ में देखते हैं, और हम गुमान करते हैं कि तुम झूठो झूठे हो। देखो नबी को बोल रहे, नबी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुम, तुम्हारी अक़ल नहीं है, तुम बेअक़ल हो, तुम बेवकूफ़ हो और तुम झूठे हो। तो कहा कि मेरी कौम के लोगों, قال يا قوم ليس بي صفات, मुझ में जो है बेअक़ली नहीं है, बल्कि मैं अल्लाह का रसूल, रब्बुल आलम का रसूल हूँ, तुम्हें अल्लाह के पैगाम सुनाता हूँ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ और अमानतदार हूँ। फिर कौम ने नहीं मानी, वरना लकुम नासिउन, अजिब तुम जाकुम ज़िक्र मिन रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम, तुम्हें इस बात से ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हारे रब की तरफ से एक इंसान पर अल्लाह की तरफ से पैगाम आए ताकि तुमको डराए। तुम उस वक्त को याद करो जबकि अल्लाह ने तुमको कौम नूह के बाद ज़मीन का खलीफा बनाया, तुमको खूब जो है अल्लाह ताला ने जिस्मानी हैसियत से जो है खूब बड़ा, तुमको जो है खूब बदन का फैलाव दिया, नेमतें दी। फ़स्करु अलाल्लाही लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम्हें फला नसीब हो जाए। कौम ने क्या कहा, जीतना लिना अबुदुल्ला बधो नज़र माकान या अबुदा अबावना, क्या तो हमारे पास ये पैगाम लेकर आया है कि हम एक अल्लाह की बंदी करें और हमारे बाप दादा जो बात करते उसको छोड़ दें? फातिन अभी मात लिखा तो क्या कहना चाहता है, जो अजाब है लिखा जा, इन गुन तो मेरा सादिकीन। तो कहा कि खद वक़ अलैकुम मैं रब्बिकुम, हाँ बात तुम ऐसे इतनी ढीठ बन गए हो, इस तरह से तुम बात का इनकार करते हो, अल्लाह की तुम पर वाकई हो चुका है अल्लाह का अजाब। तो फिर उन पर अजाब आ गया, कौम आद पर अल्लाह ने वो हवा भेजी। तफसील से जाने का मौका नहीं है हर कौम का, तमाम कौमों के हालात। तो वो हवा सात पूरा हफ्ता भर, सात दिन आठ रात वो हवा आती थी, उठा उठा के फेंक रही थी, ऐसे ऊंचे पूरे गिर कर दरख्त के तने किस तरह पड़ते हैं उस तरह गिर पड़े थे, हवा की जरा अजाब आ गया। वैला समुद में खा हूँ साल, फिर हमने कौम समुद की तरफ, आज की बात कौम समुद, ये भी बड़ी ज़बरदस्त कौम थी, पत्थरों को तराश के मकान बनाते थे। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, या कौमी उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू, ऐ मेरी कौम के लोगों, एक अल्लाह की बंदगी करो, उसके से तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तो कौम ने कहा कि अच्छा अल्लाह के रसूल है ना, तो इस पहाड़ से ऊँटी निकालो। नबी को यही हिरस होती है, नबी की ख्वाहिश होती है कि लोग दीन ईमान कबूल कर लें। तो अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह तेरी कुदरत से क्या बात, कुछ भी बईद नहीं है, तो इस पहाड़ से ऊँटी निकाल दें। पूरी कौम ठहरी हुई है, आपने दुआ की, नमाज पढ़ी, दुआ की, चट्टान फटी, ये फिर क्या चाह रहे थे, वो भी ऊँटनी मामूली ऊँटनी नहीं, दस मनी गाबन ऊँटनी आना, देखो चट्टान फट कर एक गाबन ऊँटनी आ गई, अब तो मानना चाहिए था ना, अब भी नहीं माने। तो फरमा रहे हैं कद जाकुम जातकुम बैनतुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से खुली दलील पहुँच चुकी है, हाज़े नाक़तुल्लाह लकुम आयतुम फज़रूहा ताकुल फ़ी अर्ज़िल्लाह वला तमस्सुहा बिसूइन याख़ुज़ुकुम अज़ाबुन अलीम, तुम्हारी तरफ से तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से दलील पहुँच चुकी है, ये अल्लाह की ऊँटनी है, ये निशानी है, इसको ज़मीन में खाने के लिए छोड़ दो, इस ऊँटनी को जो है तुम गज़ब मत पहुँचाओ, वरना तुमको अजाब अलीम दर्दनाक अजाब आ जाएगा। और याद करो कि अल्लाह ने तुम्हें कौम आद के बाद तुमको जो ज़मीन का खलीफा बनाया, तत्तखिज़ूना मिन सुहूली कुसूरन व तनहितुल जिबाल बुयूतन, नरम ज़मीन में तुम महलात बनाते हो, पहाड़ों को तराश के जो है अपने मकानात बनाते हो, बस याद करो अल्लाह की नेमतों को, फ़ज़्कुरू अलाल्लाही वला तासु फिल अर्ज़ मुफ़सिदीन। तो जो है ये लोग मानने वाले नहीं थे, फिर इसके बावजूद ऊँटनी, चूँकि वो मुझे से पैदा ही ऊँटनी थी, एक कुआँ था वहीं जाके सब लोग पीते थे, और जिस दिन वो पानी पीती थी सब लोगों को दूध देती थी, देखो पूरी कौम जो दूध पी रही, दूध पी के रहना चाहिए था ना,
बेजार है। कुछ लोगों ने जो है उसको कहा कि नहीं ये ऊँटनी हमको बहुत तकलीफ दे रही है, उसको कत्ल कर दो। कजार बिन सालिफ एक आदमी था, बदबخت आदमी उसको खमखा, उसने उसकी कोचे काट डाली। फ़ाखरुहा फ़दमदम रब्बिज़ फ़सवा वला यखाफ़ उक़बा, फिर अल्लाह ने एक जो है जलजला भेज दिया, सारी कौम अंदर चली गई। फ़सबहू फ़ी फ़अख़ज़तुहुम रजफ़तु फ़सबहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, आप पकड़ा चलते उनको, फिर वो अपने घरों के अंदर उधर है। फिर क्या करते हैं नबी, व तवल्ला अन्हुम क़ाल या क़ौमी लक़द अबलग़्तु रिसालत रब्बी व नसअतुम वलाकिन ला तुहिब्बुन नासिन, नबी अफसोस करते हुए कहने लगे। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे मुँह फेर लिया और कहा कि मेरी कौम के लोगों, मैं तो तुम्हें अल्लाह के पैगाम पहुँचाया, तुम्हारे लिए नसीहत करता रहा, लेकिन तुम नसीहत करने वालों को जो है दोस्त नहीं रखते। देख रहे हज़रत नूह अलैहि सलाम की दावत, हज़रत हूद अलैहि सलाम की दावत, हज़रत सालेह अलैहि सलाम की दावत। अब सुनिए, और वो इला मदीन मकाम शुएब, उन्होंने मदीन की तरफ शुएब अलैहि सलाम को भेजा। बोले या कौमी उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, हे मेरे कौम के लोगो, अल्लाह से तुम्हारा को माबूद नहीं है। वज्जअतुकुम बिन रब्बिकुम फौफुल कैल वल मीज़ान वला तबखसु नास अशिया वला तफसदु फिल अर्ज़ बाद इस्लाहिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। मदीन वालों की तरफ उनके भाई शुएब अलैहि सलाम को हमने नबी बनाकर भेजा, तो उन्होंने अपनी कौम से क्या कहा, अरे मेरी कौम के लोगों, बंदगी करो एक अल्लाह की, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से खुली दलील आ चुकी है। नाप तोल में कभी मत किया करो, लोगों का माल मत घटाया करो, लोगों की चीज़ें मत घटाया करो, ज़मीन में फसाद मत डालो जबकि इस्लाह हो चुकी है, ये तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम ईमान वाले हो। तो उन लोगों ने उन लोगों को उनके सरदारों ने कहा, अरे शुएब हम तुमको निकाल देंगे जब तुम हमारी मिल्लत में लौट कर आ जाओ। तो उल्टा उनको करें नबी को करेंगे तुम हमारी मिल्लत में आ जाओ। قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا, हम अपने बस तुमको निकाल देंगे, देखो हम भी अकरम जो है कह रहे हैं, या औ लतउदन फी मिल्लतना, तुम हमारी मिल्लत में लौट कर आ जाओ। तो उन्होंने कहा क्या हम तुमसे बेजार भी हों, उस पर लौट कर आ सकते हैं, कदी अफ्तर अल्लाह कसी बन, ऐसी बात है तो हम तो जो है अल्लाह पर झूठ बोलने वाले हो जाएंगे। इन उदना फी मिल्लत बाद नज्जल्लाहु मिन्हा, तो अगर हम इस तरह लौट आएंगे तो हम अल्लाह पर झूठ बोलने वाले हो जाएंगे जबकि अल्लाह ने हमको नजात दे चुका है। वमा यकुनना अन नऊद फीहा इल्ला यशा अल्लाह रब्बना, और हमारा काम नहीं कि हम लौट कर आए, मैं कह अल्लाह ही चाहे, वसी रब्बना कुल शैइन इल्मा, हमारा हर चीज़ को अपने इल्म की आते मिले, अल्लाह तवक्कलना, हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं। रब्बना अफ्तह बैनना व बैनकुम बिल हक व अंत खैरुल फातिहीन, फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह तो ही हमारे कौम के दरमियान फैसला करिए, तो बेहतरीन फैसला करने वाला है। وقال الملأ الذين كفروا من قومه, قوم के लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया था वो ये कहने लगे कि अगर तुमने शुएब की पैरवी की तो तुम जो है घाटे में हो गए। देखो فأخذتهم الرجفة, एक दिल ने आप पकड़ लिया, فأصبحوا في دارهم جاثمين, तो एक दिल ने आकर पकड़ लिया और वो औंधे मुंह पड़े रह गए। तो अल्लाह ताला ने सारी कौमों के हालात बयान किए हैं जो शिर्क करने वाले थे। الذين كذبوا شعيبا, जिन्होंने शुएब सलाम को झुठलाया था, कान लम यगनो फिया, बस इस तरह की ज़मीन के अंदर धसे रह गए, ज़मीन बिल्कुल लेवल हो गई, दुनिया में थे कि नहीं वैसे हो गए, गोया कि और बसे नहीं थे। الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين, जिन्होंने शुएब अलैहि सलाम को झुठलाया था वही घाटे में रह गए। وتولوا عنهم, उनसे मुँह फेर लिया, कहा कि या कौमी लक़द अबलग़्तुम रिसालत रब्बी व नसअतु लकुम फकैफ़ आसा अला क़ौमिन काफ़िरीन, हे मेरे कौम के लोग, तुमको मैं अल्लाह ताला के पैगाम पहुँचा चुका, तुम्हारी नसीहत कर चुका, बस मैं कैसे क्या अफसोस करूँ, अब क्या अफसोस करूँ ऐसे लोगों पर। तो अल्लाह तबारक ताला ने एक मकाम पर नहीं बल्कि बेशुमार मकामात पर जो है ये बात बयान की है कि और फिर शिर्क से बचने की बात, सिर्फ इतनी नहीं, अल्लाह ताला ने करके कहा जो है तुम शिर्क से बचना। अंबिया कराम को अल्लाह ताला फरमाने तुम शिर्क से बचो, अंबिया कराम तो शिर्क कर सकते नहीं थे लेकिन फिर भी वलकद वही लेख सूरह ज़ुमर का सातवां रुकू, उल अफ़गैर अल्लाह तामरूनी आबुद वही जाहिलून,
हमारे नबी फरमा रहे हैं, आप कह दीजिए क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूँ, अरे जाहिल लोगो, क्या मैं अल्लाह किसी की और की बंदगी करूँ, अरे जाहिल लोगो, बताओ मुझे। वलकद वही लेख मेरी तरफ इस बात की वही की वाले लजी ने मिन कबल और मेरे पहले जितने भी हम सब की किए, लेकिन अशरक था लहबी जन अमल होकर वाला तखन खासरीन। क्या बात है, देख रहे हैं आप अम्बे कराम मेरी तरफ वही की गई है और वलकद वही लेख मेरी तरफ इस बात की वही की वाले लजी ने मिन कबल और मुझसे पहले जो लंबी उनके वही लेकिन अशरक था, अगर तूने शिरक किया लहबी जन अमल होकर तेरा अमल ज़ाया हो जाएगा। वला तकुन मिन खासरीन और तुम घाटे में हो जाओगे, बलिल्लाह बल सिर्फ एक अल्लाह की वाबुद हो, बस एक अल्लाह की बंदी करो, वकुन मिन शाकिरीन उसी का हक मानने वाले बनो। वमा कदरुल्लाह कदर ही, उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा करना चाहिए था। वजर जमीन कब्जा तो यौमल क़यामत, क़यामत के दिन सारी ज़मीन उसकी मुट्ठी में हुई, और आसमान मतविया तो बेमी नहीं और उस आसमान लपेटे उसके दाहिने हाथ में, सुबहानहु व तआला मुशरिकून, अल्लाह ताला पाक है जो लोग अल्लाह शरीक बना शरीक ठहरा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने अम्बिया कराम को एक अल्लाह की बंदगी, अपनी बंदगी करने का, शिरक से बचने का जो है एक मकाम पर नहीं बल्कि बेशुमार मकामात पर जो है सूरह अनाम के 10वें रुकू के अंदर अल्लाह ताला जो है अम्बिया कराम का जिक्र करें, जो हमारी हकीकी ईमान था ना वो आयत जो थी الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون, जो लोग ईमान लाए उन्होंने अपने ईमान से जुल्म को नहीं मिलाया, शिर्क को नहीं मिलाया, أولئك لهم الأمن ऐसे लोगों के लिए ही अमन है, वह मोहतदून। तिल का हुज्जतुना आतना इब्राहिम अलाकौमी नरफ़ दरजात मन नशा, ये हमारी दलील है जो हमने इब्राहिम सलाम को उनकी कौम के मुकाबले में दी थी, और हम जिसके चाहे दर्जात बुलंद करते हैं, बेशक तेरा रब जो है आपका रब जो है बहुत हिकमत वाला और इल्म वाला है। इसके बाद अल्लाह ताला ये सब अम्बिया कराम का जिक्र कर रहा है, वहबना लहू इसहाक व याकूब कुलन हदैना व नूह हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रियती दाऊद व सुलेमान व अय्यूब यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, और बख्शा हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक याकूब और सबको हमने हिदायत दी, और इससे पहले हम नूह को अलैहिस्सलाम को हिदायत दे चुके हैं, उन्हीं के औलाद में से दाऊद सुलेमान अय्यूब यूसुफ मूसा व हारून व कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, इस तरह हम बदला दिया करते हैं नेक काम करने वालों को। व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास, और इस तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम व यहया अलैहिस्सलाम व ईसा अलैहिस्सलाम व ईसा अलैहिस्सलाम व इलियास अलैहिस्सलाम कुल्लु मिन अस्सालिहीन, सब सालिहीन में से थे। व इस्माइल व यस व यूनुस व लूता कुल्लन फ़ज़लना अला, हर एक को हमने दुनिया जहाँ वालों पर जो है फजीलत दी थी। फिर इसके बाद फरमाए व मिन आबाहिम व ज़ुर्रियातिहिम, इनके बाद लोगों के बाप बाद लोगों की औलाद व इख़वानिहिम और उनके भाइयों में से, व इस्तबैनाहुम इनमें से इन लोगों में से किसके भाइयों को हमने इस्तबैनाहुम हदैना इला सिरातिन मुस्तक़ीम, ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशाउ, ये अल्लाह की हिदायत है जो अपने बंदों से चाहता देता है, वलव अशरकु लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर लोग शिर्क करते शिर्क करें तो इनके अमल ज़ाया हो जाएंगे जो अमल करते थे। तो अम्बिया कराम को तक भी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो है अगर लोग शिर्क करेंगे तो इनके अमल ज़ाया हो जाएंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, एक पूरा सूरत ही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नाम से, जब दो कैदी जो है आपके पास आकर जो है ख्वाब की तबीर पूछते हैं, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जो है ख्वाब ये बताने से पहले कहते हैं कि मुझे कहाँ से आया है, फिर तौहीद की दावत देते हैं उनको, शिर्क से बचने की बात करते हैं, उसके बाद ख्वाब की तबीर बोलते हैं। देखिए तुम्हारा खाना आने से पहले मैं तुम्हारे ख्वाब की तबीर बोलूँगा, लेकिन ला याती को मातामन तुरजकान है इल्ला नब्बत को मा बिहिता भी, बोला कि ना आना पैगत खाना जो तुम रोज़ को मिलता है, मगर मैं तुमको बता चुका उसकी तबीर, लेकिन उससे पहले जो है बता चुका तुमको कबल अन याती को, वो आने से पहले तुम्हारी तबीयत हूँ खाना आने से पहले, ज़ालिकुम मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये इल्म है जो मुझे रब ने दिया है मेरे रब ने, इन्हीं तरक्त मिलता कौमिन, मैं उन कौम को छोड़ दिया हूँ जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, आखरत का इनकार करने वाले हैं। व तब तो मिलत आबाही, अभी जो यहाँ जिक्र हुआ समझिया इकराम का,
मैं अपने बापदादा के जरिए इब्राहिम इसहाक याकूब इनकी तरफ चलने वाला हूँ। माँ कराना नशरक बिल्ला शिन, ये हमारा काम नहीं है कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं। ज़ालिका मिन फ़ज़्ल अलैना वअला नास वलकिन अक्सर नास ला यशकुरून, ये हमारा अल्लाह का फ़ज़ल है हम पर सब लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग ऐसा नहीं मानते। या साहिब सिजनी, ए मेरे कैद खाने के दोस्तों, अरबाब मुतफरिकून, क्या मुख्तलिफ़ खुदा मुख्तलिफ़ महबूद बेहतर हैं या एक अल्लाह जो अकेला ज़बरदस्त है। माँ ताबुदोन में इल्ला आसमान समय तुम अंतुम अबाकुम माँ अंदल्ला भी सुल्तान, कुछ जो कुछ नहीं पूछते तुम सिवाय इसके कि मुझे नाम रख छोड़ दो, सिर्फ नाम है, उस नाम की कोई शख्सियत नहीं, ताकि बहुत से लोग रखें नाम, सिर्फ नाम, उस नाम की कोई शख्सियत नहीं। अंतुम अबंग, जो नाम रखे तुमने तुम्हारे बाप दादा ने, माँ अंदल्ला भी सुल्तान, अल्लाह ने इसके लिए कोई सनद हासिल की, इन्हें लुक मिल ला है, हुक्म अल्लाह से उसका नहीं है, अमर अल्लाह ताबुदुल्ला हो, अल्लाह ने इस बात को, उसकी सिवा किसी की बात मत करो। ज़ालिक दीनुल क़य्यिम, यही सच्चा सीधा दीन है, वलाकिन अक्सर नास ला यालमून, अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। तो बहरहाल जो है कुरान में अंबिया कराम की दावतों का जहाँ भी जिक्र आया है, अंबिया कराम का जहाँ भी जिक्र आया है, तो यही जिक्र आया है कि वो शिर्क से बचकर तौहीद की दावत थी। और किताबुल ईमान की सारी हदीसें आपके सामने आ चुकी हैं, वहाँ भी दो ही है, पहले शिर्क की नफ़ी है, उसके बाद तौहीद का इस बात है। तो अल्लाह ताला मुझे आप सब लोगों को शिर्क से बचकर तौहीद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।